जो अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग अलग आकार सूर्य ग्रहण का, इस पर टिप्पणी आपकी और किन बातों से आगाह करती हुई आपकी रिसर्च है, आपका अध्ययन है सूर्य ग्रहण के मद्देनजर? श्रुति, सबसे पहले तो आज तक के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये जो ग्रहण पड़ा है, इस समय जो पड़ा है, बहुत खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। ध्यान देने लायक बात है कि इस ग्रहण के समय पर 7 ग्रह वक्री चल रहे हैं। राहु केतु तो वक्री चलते हैं, सूर्य चंद्र कभी वक्री नहीं चलते, एकमात्र मंगल है जो वक्री नहीं है, नहीं तो वीनस वक्री है। ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए जो है जुपिटर शनि वक्री है, साथ ही साथ बुध वक्री है और प्लूटो वक्री है। ग्रहण का ये जो पड़ा है, ये बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रहण है, क्योंकि इसके बाद अगला ग्रहण पड़ेगा 22 अक्टूबर 2022 में, सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करें, जो कि इतना ही बड़ा जो भारत में देखने लायक होगा। फिलहाल जो अगला अक्टूबर में जो ग्रहण पड़ेगा वो इतना बड़ा नहीं होगा, उसकी जो नंबर ऑफ आवर्स है, जो स्प्रेड है, वो इतना बड़ा नहीं होगा। तो ये ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण है कई मायनों, देश पर दो बड़े प्रभाव, श्रुति, इस सूर्य ग्रहण का दो बड़े प्रभाव जो कंट्री का नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, दोनों तरफ में प्रॉब्लम्स होंगी। सेना डिप्लॉयमेंट आफ्टर 18 जुलाई मेरा प्रेडिक्शन था, जो 18 जून जो था वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। 16 अगस्त के आसपास आप देखेंगे कि जितने पेंडेमिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें आपको आराम मिलने लगेगा। ट्रायल्स के लिए वैक्सीन जाने लगेगी आफ्टर 3 अगस्त। बहुत शुक्रिया आपका, श्रुति द्विवेदी, हमसे जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी आज तक के दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इन सब के बीच स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि वेदांताचार्य हैं, उनके पास मैं चलूं। लेकिन अजय भांबी जी, जल्दी से आपकी टिप्पणी, क्योंकि ज्योतिषाचार्य कुछ अनहोनी की ओर भी इशारा कर रहे हैं, उससे बचने के क्या उपाय सुझाएंगे आप? देखिए, मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो भूकंप का खतरा बना हुआ है, ये खास बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन मैंने बोला था आपसे थोड़ी देर पहले, कोरोना का जो प्रकोप है वो 15 जुलाई के बाद कम होगा और सितंबर आते आते चीजें काफी नॉर्मल हो जाएंगी और भारतीय जो इकोनॉमी है उसमें थोड़ा फर्क रहेगा, दिक्कत रहेगी, इसमें 2 साल लगेंगे। तो ये सारी स्थितियां हैं, लेकिन इसके बाद भी सूर्य ग्रहण को देखना नहीं चाहिए, वो तो बात सब डॉक्टर सब लोग भी बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं। और ये ग्रहण हर बार नुकसान नहीं देते, हर ग्रहण के बाद परिवर्तन आता है। जब 26 दिसंबर को हुआ था 19 को, तब उसके बाद कोरोना और सब तरह के ये प्रभाव आए थे, इसके बाद ये प्रभाव थोड़े कम होंगे। और जो युद्ध की स्थितियां हैं, मुझे नहीं लगता युद्ध होगा, फुल फ्लेज वॉर नहीं होगा। हाँ, जो जो कहना धक्का मुक्की टाइप ये जब है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और चलिए, ये आपने बड़ी बातें कही हैं कि कम से कम युद्ध जैसे हालात नहीं बनेंगे, धक्का मुक्की जैसा कि इस समय भी हम देख रहे हैं। चीन के साथ जिस तरह से तलखी के साथ हिंदुस्तान का रिश्ता आगे बढ़ रहा है, राजकुमार शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन स्वामी सर्वानंद सरस्वती, अब सीधे आपका रुख करते हुए, आज ये जो खगोलीय घटना घटी है, विज्ञान जिन शब्दों का प्रयोग करता है, अगर ज्योतिष के नजरिए से, धर्म के नजरिए से मैं जानूं, तो आपका धर्मशास्त्र आज के सूर्य ग्रहण को लेकर क्या कहता है? देखिए, ये सूर्य ग्रहण, ये कोंकण सूर्य जैसे कड़ा होता है ना हाथ में जी, उस तरह का, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया है और ये चंद्रमा अपने उसने सूर्य को ढक लिया और जितना ढक सकता था तो उतना ही ढक सका, इसके बाद वो उसके कंकण आकार दे दिए, इसलिए इसको कंकण सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये सूर्य ग्रहण बहुत ही आप ऐसे समय में आया है जहाँ पर 6 ग्रह बकरी हों और गुरु और शनि बकरी चल रहा हो, तो ये ग्रहण बहुत कुछ है। और ये मिथुन राशि से ग्रहण शुरू हुआ और मिथुन राशि पर ही समाप्त होगा, और जिसमें मृगशिरा नक्षत्र जो है मृगशिरा से शुरू हुआ और आद्रा में खत्म होगा। तो इन नक्षत्रों को, इन सबको देखते हुए ये सूर्य ग्रहण बहुत लाभकारी तो नहीं है, लेकिन विनाशकारी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उपद्रवकारी जरूर है। जिसके लिए अगर जो जातक अपनी राशियाँ जानते हैं उनके अनुसार अब इस समय जब सूर्य ग्रहण चल रहा है तो सूर्य को देखें ना, बल्कि बैठ करके उसकी आराधना करें,
और अगर उसका मंत्र नहीं आता तो केवल ओम सूर्याय नमः करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय करें या ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय, जो भी मंत्र आप कर सकते हैं सूर्य ग्रहण के समय, वो आपके जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है ये समय। इसलिए देवताओं के, आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के अभी हमारे पास फोन आ रहे थे और बहुत कि ये सूर्य ग्रहण में सूतक लगने पर मंदिर क्यों बंद कर दिए जाते हैं, मंदिर के दर्शन क्यों नहीं किए जाते हैं, भगवान को भी क्यों नहीं पूजन अर्चन किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।